नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। क्षेत्र के गांव लक्ष्मपुर विधानसभा क्षेत्र अनूप शहर के साधारण और दलित परिवार में जन्मी पूनम कुमारी पुत्र स्वर्गीय वीरपाल सिंह के अपर PCS में चयन होने के बाद उनके CDPO पद पर नियुक्त होने और जनपद हापुड़ में तैनाती मिलने पर बसपा के जिला पदाधिकारियों ने बुके भेंट कर पूनम कुमारी को सम्मानित किया। बुधवार को पूनम कुमारी स्वर्गीय वीरपाल सिंह के CDPO पद पर जनपद हापुड़ तैनाती होने पर बसपा जिला कोषाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अनूप शहर रविन्द्र प्रधान, सेक्टर अध्यक्ष लक्ष्मपुर मानक प्रधान दीपक कुशवाहा मोनू कुमार आदि बसपा कार्यकर्ताओं ने पूनम कुमारी के लक्ष्मपुर स्थित आवास पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देते हुए उनके शिक्षा और परिश्रम और आर्थिक रूप से कमजोर और दलित परिवार में जन्म होने के बाद भी CDPO अपर PCS में चयनित होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए शिक्षा के संविधान में अधिकारी का सदुपयोग कर अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करने पर बसपा पदाधिकारियों ने उनको बुके भेंट कर सम्मानित किया। तीन भाई बहनों में सबसे छोटी पूनम कुमारी, दो भाई बड़े और उनके पिताजी की मृत्यु कैंसर से पीड़ित होने के चलते पूर्व में देहांत हो गया था। आर्थिक रूप से कमजोर और सुविधाओं के अभाव के बावजूद पूनम ने अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर अपर PCS में चयनित होकर अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जनपद का नाम प्रदेश और देश में रोशन किया है।